हाँ जी, तो चार प्लेटफॉर्म जिनकी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, इन पे आपको ऐड चलानी पड़ सकती है कंपनी में। अगर ऐड नहीं चलानी तो आपको अपने लिए, अगर आप कंटेंट बनाते हो, मार्केट करना चाहते हो, तो फिर इन प्लेटफॉर्म की आपको ऑडियंस पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है फेसबुक। फेसबुक का क्या है कि इस पे मिक्स ऑडियंस है, बट मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे फनी या फिर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट और आर्ट्स के जो ऑडियंस है ना, बहुत ज़्यादा है। आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के ऊपर मतलब आपको वीडियोस और मीम्स जितना भी है वायरल होते दिखेंगे, जबकि दूसरे कंटेंट पे जैसे एजुकेशनल कंटेंट वगैरह पे आपको इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो फेसबुक एक मिक्स प्लेटफॉर्म है जिस पे हर तरह की ऑडियंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, इसकी वजह से हर तरह की ऑडियंस है। आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा तो चलेगा, बट फिर भी मतलब ये समझ लो आपकी एंटरटेनमेंट के कंपैरिजन में अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो तो आपको आधा रिस्पॉन्स भी मुश्किल से मिलेगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जो फेसबुक का ही है। इंस्टाग्राम पे आपको फैशन ऑडियंस मिलेगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट करना चाहते हो यूथ के लिए, या फिर कोई सर्विस है जो 18 या 16 से 24 या 28 साल तक, यानी 16 से 28 साल के बच्चों या यूथ के लिए आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लाते हो, तो आप डेफिनेटली उसे इंस्टाग्राम पे मार्केट करो। आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस एज की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और फैशन ऑडियंस है, क्योंकि ज़्यादातर जो फेसबुक पे फैशन ऑडियंस थी वो शिफ्ट हो गई है इंस्टाग्राम पे पिछले 1-1.5 साल से। अगर फेसबुक पे पहले आपको रिस्पॉन्स मिलता था तो समझ जाओ कि अब इंस्टाग्राम पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारी ऑडियंस वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। और इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी चीज़, अगर आप कोई फैशन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराते हो, म्यूज़िक रिलेटेड, डांस रिलेटेड, ऐसी चीज़ों का अगर आप प्रमोशन करना चाहते हो, या किसी भी मतलब आज की चीज़ का, यानी फैशन रिलेटेड हो, ट्रेंडिंग हो, मस्ती मजाक, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विस जो यूथ के काम आने वाला है, ऐसी चीज़ों का अगर प्रमोशन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तीसरा है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे भी बिल्कुल सेम आपको फैशन ऑडियंस मिलेगी इंस्टाग्राम की तरह, बट आपको फीमेल ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी पिंटरेस्ट पे। आपको कुर्तीज़ वगैरह, शूज़ वगैरह लड़कियों के, या ड्रेसेस वगैरह लड़कों के भी, बट लड़कियों का जो रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा है पिंटरेस्ट पे। अगर आप एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हो या प्रोडक्ट मार्केट करना चाहते हो जो लेडीज़ के लिए है, तो आप वहाँ पे स्विच करो बिल्कुल पिंटरेस्ट पे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ब्लॉगिंग करते हो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह पे, या ऐसे टॉपिक्स पे जो गर्ल्स रिलेटेड हैं, लेडीज़ रिलेटेड हैं, तो आपको पिंटरेस्ट से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा अपने ब्लॉग पे। चौथा प्लेटफॉर्म अगर मैं कहूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब पे तो बात ही क्या है यार। यूट्यूब पे हर तरह की ऑडियंस है, कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी डालो, आपका चलना ही चलना है। बट ये है कि आपको वीडियोस डालने के टाइम या तो 1 साल तक वेट करो, 1-1.5 साल तक वीडियोस डालते रहो यूट्यूब पे, अपना चैनल बना के अच्छे खासा कंटेंट डालते रहोगे। थोड़े टाइम बाद डेली बेसिस पे अगर आप वीडियोस डाल रहे हो तो इंप्रेशन बढ़ते 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 कोई ना कोई वीडियो वायरल होगी, एंड देन यू विल गेट हाईलाइटेड। तो आपको अगर प्रमोट होना है तो यूट्यूब पे डालते रहो वीडियोस में, कोई टेंशन नहीं है किस तरह की ऑडियंस मुझे मिलेगी किस तरह की नहीं। हाँ, थोड़ा एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है ना, जैसे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में गाइड कर रहा हूँ, या कोई मैथ्स की चीज़ें बता रहा है, साइंस की चीज़ें बता रहा है, तो एजुकेशन पे भी यूट्यूब इतना काम नहीं कर रहा कि आपकी जो वीडियोज़ हैं बहुत जल्दी वायरल हों। वही अगर एंटरटेनमेंट पे आप वीडियोज़ डालो यूट्यूब पे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। तो मैंने देखा है कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बट वहीं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। इसलिए यूट्यूब पे मिक्स ऑडियंस है, उस पर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये है कि एजुकेशन पे थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो आता है या कम आता है, क्योंकि कुछ अलग से नहीं कर रहा है यूट्यूब एजुकेशन वालों के लिए। पांचवा प्लेटफॉर्म है या टिकटॉक, अगर मैं बात करूँ उसकी, तो टिकटॉक पे भी आपको एंटरटेनमेंट रिलेटेड ही कंटेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के सर्वे के हिसाब से, अभी मैं थोड़े टाइम पहले एक पढ़ रहा था, 56% जो लोग हैं ना इंटरनेट पे वो टाइम स्पेंड करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और 44% जो लोग हैं वो आते हैं किसी एजुकेशन रिलेटेड या कुछ चीज़ सीखने, या उनकी जो क्वेरी होती है उसे सॉल्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इंटरनेट पे आते हैं। तो 56% आपको इंटरनेट के ऊपर ऑडियंस जो मिलेगी वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड ही मिलेगी, इसलिए ज़्यादा जो सोशल प्लेटफॉर्म है एंटरटेनमेंट रिलेटेड ही चलते हैं। तो टिकटॉक पे भी सेम है यार, टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट रिलेटेड, रब रिलेटेड या फनी वीडियोस बनाओगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है। वहीं आप एजुकेशनल कोई वीडियो बनाओगे तो वहाँ पे थोड़ा आप पीछे रह सकते हो, पीछे इन द सेंस थोड़ा लेट ग्रो करोगे, बट ग्रो तो होना ही होना है, ऐसी बात नहीं है। बट टिकटॉक एजुकेशन के लिए इतना कंपेटेबल अभी नहीं है, बट हाँ टिकटॉक स्विच कर रहा है एजुकेशन वाले वीडियो क्रिएटर्स को
कह रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आओ मुझ पे वीडियोस बनाओ, क्योंकि इंडिया में उसकी इमेज इतनी खास नहीं है। अब वो चेंज करना चाहता है इमेज, क्योंकि बैन हुआ था अभी टिकटॉक इंडिया में, तो अपनी इमेज चेंज करने के लिए जो टिकटॉक है वो कोशिश कर रहा है कि वो एजुकेशन रिलेटेड जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनके लिए कुछ करे और उनकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे ऑर्गेनिकली। तो कहने का मतलब है टिकटॉक पे भी आप वीडियोस डाल सकते हो, बट अगर एंटरटेनमेंट रिलेटेड बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ब्रांड डील्स आपको हर जगह मिली जाती है, ऑब्वियस सी बात है। आप वीडियोज़ बनाओ या कुछ भी बनाओ, अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग आ गई ना एक बार, उसके बाद आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, दे विल से कि हमारा प्रमोट करो ब्रांड या सर्विस, और उसके लिए हम आपको इतने पैसे देंगे। और जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब पे भी हैं, यानी 5 गुना या 4 गुना ये समझ लो कि वो ब्रांड डील से उनकी अर्निंग होती है। 1-1 लाख या 2-2, 4-4 लाख जो है ब्रांड डील से ही अर्निंग होती है मंथली। उनका जो एड सर्विंग है कि हाँ, जैसे एडसेंस के एड्स आ गए यूट्यूब में या फेसबुक वीडियोस में, फेसबुक फॉर क्रिएटर्स के एड्स वगैरह आ गई, वो सारे इतने पैसे नहीं देती, बहुत कम, हम जितना सोचते हैं उसको बहुत बहुत कम देती हैं। और जो ब्रांड डील्स हैं वही आपको पैसा दिलाएंगी, तो यही माइंड में लेके चलो। अगर आपको कहीं भी एडवर्टाइज़ करना है, ग्रो करना है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से चूज़ कर लो कौन सी वीडियोस बनाना चाहते हो और या कोई भी कंटेंट बनाना चाहते हो। और अगर आप मार्केटिंग करने के पर्पज़ से हो तो आपको पता चल ही जाएगा प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ पे कंपेटेबल है, जो मैंने प्लेटफॉर्म की ऑडियंस बता दी है। बाकी ये कन्वर्जन रेट तो यार देखो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट और सर्विस पे, कि क्या आप दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, आपकी सर्विस कैसी है, कितने टाइम में डिलीवरी होती है, ये सब चीज़ें। प्रोडक्ट यूजेबल है और डिमांडिंग है या नहीं है उस पर डिपेंड करती हैं ये सब चीज़ें। तो कन्वर्जन रेट और इस पर भी डिपेंड करती हैं कि जिस पर आप एडवर्टाइज़ करवा रहे हो किसी प्लेटफॉर्म या क्रिएटर्स के थ्रू, वो क्रिएटर कितने लॉयल फैन का मालिक है। यानी अगर मान लो मेरी वीडियोस चल रही हैं आज के टाइम में और कोई मुझे ब्रांड अप्रोच करता है कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट कर दो, और मैं कहूँ कि हाँ हाँ मैंने ये मार्केट कर दिया, बट उनकी कन्वर्जन नहीं हुई, 10,000 व्यूज में कोई और क्रिएटर सेम डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस बनाता है, उसने 10,000 व्यूज में उनको 500 कन्वर्जन ला के दे दी, यानी 500 लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीद लिया उस क्रिएटर के थ्रू। वहीं मेरी वीडियोस पे 50,000 व्यूज आ रहे हैं, बट 200 लोगों ने भी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा, सेम ब्रांड डील दूसरे क्रिएटर को भी मिली, बट उसके 10,000 व्यूज में उसने 500 कन्वर्जन कर दी, और मेरे 50,000 व्यूज में भी 200 कन्वर्जन हुई। तो इसका मतलब है मेरे लॉयल फैंस कम है, मुझे देखते हैं लोग बट मेरे लॉयल फैंस कम है, कि जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके, वो 10,000 व्यूज वाले बंदे पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग। तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि कन्वर्जन रेट इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर रहे हो तो कैसा होगा। अगर आप पेड कैंपेन्स चला रहे हो तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे डिपेंड करता है कन्वर्जन रेट कैसा होगा, तो वो तो आपको करके ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता। तो ये था यार इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि कैसी ऑडियंस ज़्यादा है। तो ये आपको हेल्प करेगी आपकी जॉब पे, अगर आप किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो, अगर आप खुद के कंटेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए कंपेटेबल है आपका कंटेंट चलाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स डालता रहूँगा जो आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग कैरियर को एनहेंस करने में हेल्प करेगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।